डील क्या है? सांप्रदायिक शक्तियों को रोको, भाजपा को भगाओ, और क्या डील हो सकता है? और कोई डील होता तो पहले नहीं हो जाता। भाई भाजपा को भगाना हमारा मेन है कि भाजपा भागे, तो इसमें तो उपेंद्र कुशवाहा जी को साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए जिस विचारधारा के रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं, वो अपने, वो तो जनता दल यूनाइटेड उनकी अपने दल की बात है, तो हमारे दल की बात नहीं। लेकिन अगर कोई भी बात है तो नेतृत्व से बात करनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि नीतीश जी ने उनको कभी सम्मान ही ना दिया। कई बार जो है नीतीश कुमार जी ने उनको सम्मान दिया, अभी भी फिर वापस आए हैं फिर भी सम्मान दिए। हमारे साथ थे तो हम लोग भी भाई उनको सम्मान देते थे, कहाँ कोई कमी। सर पूर्व सीएम मांझी जी अभी बोले शराबबंदी पर इशारा किए कि टूरिस्ट, शराबबंदी पर इशारा किए कि टूरिस्ट, इनका अपना विचार नहीं है, उन्होंने अपना रखा है, क्यों नहीं रखना चाहिए? सबको अपना विचार रखना चाहिए, विचार रखने में कोई दिक्कत है क्या? किसी को आपत्ति थोड़ी ना होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट की जाएगी क्या? इम्प्लीमेंट किया नहीं जाएगा, नहीं लिया जाएगा, ये तो सब लोगों ने मिल के निर्णय लिया था, सब दल के लोगों ने। तो इस पे तो हम कुछ अभी कह नहीं सकते, हम अधिकृत तो है नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। बोध गया, थोड़ा महात्मा बोध की धरती रही है, ज्ञान मोक्ष की धरती रही है, और हम सब लोग बोध महोत्सव की आशीर्वाद उद्घाटन हुआ है, 3 दिन चलेगा, और इसको देखते हुए यहाँ आज आगमन हुआ है, और यहाँ कई विकास के कार्य चल रहे हैं, जैसे हमने बताया भी, बहुत चीज़ें जो हैं आनी बाकी हैं, बहुत चीज़ें बननी बाकी हैं। हर एक चीज़ों को देखते हुए एक इंटरनेशनल स्पॉट ऑलरेडी है, लेकिन उस हिसाब को और बेहतर बनाना है। इतना अच्छा काम हुआ है, उससे और बेहतर काम आगे करना है, तो इसको देखते हुए हम लोग सब लोग, हमारी जो नई सरकार नीतीश के नेतृत्व में बनी है, इस चीज़ को हम लोग जो अपने। सर नालंदा में चंदा के लिए 2 लोगों की पीट पीट कर हत्या हो, हमको जानकारी नहीं है। अगर आप जैसा कह रहे हैं तो गलत बात है, ऐसा अगर कोई किया है तो उसमें दिखवाना चाहिए कौन व्यक्ति, अगर चंदा के लिए अगर कोई पीटा है, पुलिस जो है हमको लगता है अपना काम करेगी, विश्वास है।